हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों यार, आज हम काफ़ी दूर से चलते चलते ये जो अरावली रेंज है हमारे गांव से थोड़ी सी दूर, वहां पर आए हैं। और दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक काफ़ी ख़तरनाक पुराना वाला आश्रम बना हुआ है। काफ़ी लोग आसपास वाले इसके बारे में जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, ये जो धुनी है इसको वरदड़ की धुनी बोलते हैं। और दोस्तों, बारिश के समय ये जो इलाका है काफ़ी हरा भरा रहता है। और दोस्तों, यहाँ से पानी बहता है खूब सारा। अभी हालांकि इतना पानी नहीं है यहाँ पर दोस्तों अभी हम आए हैं और यहाँ से पहाड़ आपको दिख रहे होंगे पीछे। और अब हम अंदर जाने वाले हैं और अंदर से आपको कुछ खास खास चीज़ें बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये आते ही मिले हैं दो गाय के बछड़े। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बने हुए हैं कुछ पुराने रोम। और ये हमें मिला है यहाँ पर चौथा कुंड, जो कि सबसे ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पर है एक भोलेनाथ का मंदिर, देख सकते हैं आप। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू पानी चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, दोस्तों ये जो पानी का सोता है, ये आई थिंक मेरे हिसाब से पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, कंटिन्यू पानी चल रहा है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। वो सामने आपको दिख रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है, ये है अपनी अरावली श्रृंखलाएँ। तो दोस्तों, ये पानी का सोता ढूंढता मैं काफ़ी दूर तक आ गया हूँ जंगल में। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ और खूब सारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ से दोस्तों पानी का सोता आ रहा है, जो इन पत्थरों के अंदर होकर उधर आगे निकल रहा है और यहाँ से सीधा नीचे बढ़ रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये अपनी अरावली रेंज है और यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है, मतलब जाना माना काफ़ी घना जंगल और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं। मतलब आप दिन रात घूमते रहोगे तो भी आप
घूमते रह जाओगे ऐसे भूल भुलैया इन पहाड़ों में। और यहाँ पर काफ़ी खतरनाक जंगल और काफ़ी जानवर भी रहते हैं यहाँ पर। खूब सारे बंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर पैंथर और आपको भेड़िए, लोमड़ियाँ, बिल्लियाँ, जंगली बिल्लियाँ आसानी से यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है एक काफ़ी खतरनाक वाली गुफा, देख सकते हैं आप। और अभी हम अंदर जाके देखते हैं। अरे आ जाओ भाई, इतना अंदर नहीं जाना है। अरे यार तो भी आपने हिम्मत की यार, इतने अंदर गए आपको यार, आप बहुत खतरनाक बंदे हो यार। क्या महसूस हो रहा है आपको अंदर? थोड़ा सा ज्यादा अंदर चले गए तो सांस घुट सकती है। अच्छा, ओहो, ओह माय गॉड। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो गुफा है ये काफ़ी ख़तरनाक है, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश की, पर दोस्तों अंदर से बहुत डरावनी है और अंदर से काफ़ी संकड़ी है। मगर जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ पर हम गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये गुफा है जो काफ़ी पुरानी है, मैं आपको बता दूँ। और ये आश्रम है ये भी काफ़ी पुराना है, और यहाँ पर छोटे छोटे खूब सारे मंदिर बने हुए हैं। ये देख सकते हो सामने एक बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है, और वो एक सामने बड़ा सा आश्रम। दोस्तों ये देख सकते हैं मंदिर, और इसके जस्ट ऊपर है इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर इन पत्थरों को रोक के रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी रिस्की है पत्थर ये, और काफ़ी ढलान भरे। ये देख सकते हैं ऊपर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। बहुत ही शीतल ठंडा पानी पीने का मस्त वाला नेचुरल। यहाँ पर अपने गाय के खाने के लिए खूब सारी घास है, और इधर खूब सारे बर्तन पड़े हुए हैं। और अब हम जाने वाले हैं सबसे ऊपर।
यहाँ पर एक किचन है, देख सकते हैं आप, खाना बनता है। इसके बाद यहाँ पर एक पुराना सा खंडर देख सकते हैं आप, और अब चलते हैं हम ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर है बद्रीनाथ जी का मंदिर, और यहाँ पर खुला हुआ चौक काफ़ी बड़ा, और चारों तरफ पहाड़ और हरे भरे पेड़ पौधों से फैला हुआ ये माहौल। दोस्तों हम बद्रीनाथ जी के मंदिर में आए, यहाँ पर दोस्तों हमें एक काफ़ी बड़ा और अलग टाइप का काफ़ी मस्त वाला शंख मिला है। दोस्तों ऐसा शंख नॉर्मली आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों ये जो शंख है मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। हमारे आसपास मंदिरों में है लेकिन ऐसा नहीं है। इस ये ऐसा जो शंख होता है, ऐसे शंख को दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, पर दोस्तों इस शंख को देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़ोरदार यहाँ से इसको फूंक मारते हैं, और इसकी शेप देख सकते हैं आप, और यहाँ से इसकी आवाज़ निकलती है जब इसको बजाया जाता है। तो भाई साहब ऐसा शंख आपने देखा है कभी? और दोस्तों काफी समय पहले मैं यहां पर आया था, और इस जगह पर हम सोए थे क्योंकि एक यहां पर प्रोग्राम था, और यहाँ पर बनाया था खाना, और हम यहाँ पर रात रुके थे, और हमें रात को काफ़ी ख़तरनाक वाली ठंडी लगी थी यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी पहाड़ है यहाँ पर आसपास, और काफ़ी ठंडा ठंडा वातावरण है यहाँ का। और भाई साहब यहाँ पर जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। जने थी